बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में। इस समय हम किरारी के द कोहली फिटनेस यार्ड में मौजूद हैं। अभी हमारी विजय जी से बात हुई थी, इस जिम के ओनर से बात हुई थी, अब हम उनके कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे। इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ आज की नारी सब पर भारी। जिस तरीके से मैं यहाँ पे देख रही हूँ काफ़ी सारी लड़कियाँ मुझे दिख रही हैं। मैम, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम कीर्ति है। कीर्ति जी, कितने समय से वर्कआउट कर रहे हैं आप यहाँ पे? 3 मंथ्स हो चुके हैं। आपको देखकर लगता है आप काफ़ी ज़्यादा फिट हैं, तो हमें कुछ हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके की डाइट ले रही हैं आप, किस तरीके का खान पान रहता है आपका? जैसे कि बिल्कुल भैया ने बताया, हमारे जिम के विजय भैया ने, मैं बिल्कुल उसी तरह से अपनी डाइट प्रॉपर ले रही हूँ। क्या खाना खाती हैं आप, किस तरीके की डाइट है वो बताइए। डाइट में तो सब कुछ लेती हूँ, बस सिवाय जंक फूड वगैरह इन सब को लीव कर कर। जंक फूड अवॉइड करती हैं, मतलब जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है, 1 महीने में 1-8 बार तो चलता है। ओके, जिस तरीके से आप यहाँ पे जिम वर्कआउट कर रहे हैं, आपको देखकर लगता है काफ़ी ज़्यादा समय आप इस जिम को देते हैं, तो कितना समय आपने इस जिम को दिया है? दिन में अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। 1 आवर, और कितने समय से कर रहे हैं आप जिम? 3 मंथ्स हो चुके हैं। 3 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आपका वेट कितना है? अभी तो 56 है। 56, और एज? 17। 17 साल की उम्र में 56 वेट, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। और जिस तरीके की इन्होंने डाइट बताई, नेचुरल डाइट लेती हैं, बाहर का ज़्यादा कुछ नहीं खाती हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बाहर का जो लोग खा रहे हैं, आजकल का जो जंक फूड लोग खा रहे हैं, उसको किस तरीके से अवॉइड करें और किस तरीके की एक्टिविटीज़ करें? मतलब अवॉइड बिल्कुल ना करें, मतलब खाएँ, धीरे धीरे उसे छोड़ें। 1 महीने में आप, मतलब आप 1-2 बार तो खा ही सकते हैं। 1-2 बार खा सकते? रोज़ खाना तो ठीक नहीं है। बिल्कुल रोज़ खाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब हम किसी और से बात करेंगे, जैसे इनसे तो हमने बात कर ही ली है, अब हम आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? पूजा जी, कितने समय दिया इस जिम को आपने? 6 मंथ हो गए। जैसे कि मैंने आपके ओनर जी से बात करी थी, विजय जी से, उन्होंने आपके बारे में काफ़ी कुछ अच्छा बताया था, तो कुछ अपने बारे में बताइए, कितने कॉम्पिटिशन्स खेल चुकी हैं, किस लेवल पर? नहीं किया अभी तक, तैयारी नहीं किया, स्टार्टिंग है अभी। आगे की कुछ तैयारी? नहीं अभी तो नहीं है। अभी कोई तैयारी नहीं है। जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे इस चीज़ के लिए। और किस तरीके की डाइट लेती हैं आप? भैया जो बता रखे हैं वो कंटिन्यू, वो डाइट पर, मतलब वही डाइट लेते हैं। उसी तरीके की डाइट्स लेती हैं आप? बाहर का खाते हैं आप? हाँ कभी कभार, मतलब जैसे बाई चांस रेगुलर नींद, पर कभी कभार बस। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप मैरिड हैं, शादी के बाद क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है जिम करना, स्पेशली लड़कियों के लिए। आपके लिए भी ऐसा कुछ रहा? प्रॉब्लम तो बहुत आई, बट अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए तो निकालना पड़ेगा टाइम ना। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि अपने स्वास्थ्य के लिए हमें टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए किस तरीके के आपने स्ट्रगल फेस किए? घर वालों ने मना किया कि नहीं आपको पीछे हट जाना चाहिए इस चीज़ के लिए? हाँ, घर वालों ने मना किया कि जिम में कुछ नहीं होगा, घर पे ही काम वाम करो, ये है वो है, बट मैंने कहा नहीं, मुझे करना है, क्योंकि मेरा शरीर रहेगा तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ना फैमिली देख पाऊँगी, ना अपने आप को देख पाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी अगर मैं खुद फिट नहीं होंगी तो। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली। किस तरीके की डाइट लेती हैं आप अपने आप को मेंटेन रखने के लिए? घर का सिंपल, जैसे ओट्स, दलिया और वेजिस वगैरह, उसमें फुल मतलब इंक्लूड करके, और फ्रूट्स वगैरह, स्प्राउट, ये सब चीज़ें फुल डाइट पे रहते हैं। जैसे कि हम हेल्थ को लेकर के कैंपेन चला रहे हैं, तो अगर मैं आपसे आपका अपना आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, अगर आप हमारी छोटी सी टिप दें हमारी जनता को कि किस तरीके से फिट रहें, तो कौन सी टिप देना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि बाहर का अगर कोई खाता है वही चीज़ है ना, आप घर में ना हेल्दी न्यूट्रिशन के साथ बनाइए। कोई भी, जैसे हम सोचते हैं नहीं बाहर बर्गर अच्छा है, बाहर पिज़्ज़ा अच्छा है, वो चीज़ हम घर में ना, जैसे मैदे का होता है बाहर, उसको हम मतलब व्हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें फुल वेजीज डाल सकते हैं, तो वो हेल्दी भी रहेगा और डिलीजियस भी, जैसे बाहर लोग खाने जाते हैं, तो वो चीज़ें हम घर में भी ट्राई कर सकते हैं, बाहर की चाउमीन वगैरह या कुछ भी बाहर जो हम बनाते हैं वो हम घर में भी बना सकते हैं, बाहर का जो, क्योंकि बाहर का ऑयल वगैरह और चीज़ें हेल्दी नहीं होता, और घर का जो है हेल्दी न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो चीज़ें हम घर में बना सकते हैं। बेसिकली
बेसिकली आपका कहने का मतलब है नेचुरल चीज़ें खाइए, घर का बना अच्छा खाना खाइए, बाहर की चीज़ों को थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिए। तो आज हमारे साथ जो लड़कियां जुड़ी थी यहाँ पे, ये लोग बहुत समय दिया है इन्होंने इस जिम को और बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखा है। तो हम यही चाहेंगे कि सभी लोग स्वस्थ रहें और फिट रहें। तो मैं दिव्या पांडे कैमरामैन रोहित जोशी के साथ, धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोहली फिटनेस यार्ड में आए हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे जो यहाँ पर जिमिंग करते हैं, फिटनेस का ख्याल रखते हैं। सर नाम बताइए अपना। जी रविंदर। रविंदर जी ये बताइए कितना टाइम हो गया जिम से जुड़े हुए? जी साल डेढ़ साल हो गया, मतलब बहुत दिन हो गए वैसे, यहाँ जिम में आ रहा हूँ साढ़े साल हो गए। तो मुझे ये बताइए कि जब आप जिम नहीं करते थे और आप जब जिम से जुड़ चुके हैं, फिटनेस से जुड़ चुके हैं, क्या बदलाव आया आपके अंदर? जी आप पेट तो देख ही रहे हो मेरा। जी ये पहले बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया, फ़र्क पड़ गया है। ये भाई की मेहरबानी है, भाई के टिप्स वगैरह काम आए कुछ। जनता को एक मैसेज दे दीजिए कि कैसे फिट रहें। जी तली बुली चीज़ों से बचो और थोड़ा जी अपना ख्याल का ध्यान रखो और जिम वगैरह करनी आज के टाइम में जरूरी है जी। और एक खाना जी, खाना जैसे आप फिट खाना खाओगे तो फिट ही रहोगे जी। एक खाने का ये भी होता है जी, बहुत सारा बंदा क्या होता है जी, बहुत सारा खाना खाते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो लिमिट से खाना खाते हैं तो वो मोटापे से इन चीज़ों से बच जाते हैं। बहुत अच्छी फिटनेस आपने टिप दी है। सर अपना नाम बताइए। पवन। पवन, पवन जी ये बताइए फिट आदमी कौन होता है आपके अनुसार? जिसका पेट भरना हो, सही हो। जिसका पेट भरना हो और स्ट्रक्चर अच्छा हो। अच्छा ये बताइए खाने में क्या क्या खाते हैं आप? खाने में वही दूध, केले। दूध केले, मतलब आप नेचुरल चीज़ें लेते हैं, मेन चीज़ें हैं। सो आप सब भी नेचुरल चीज़ें लीजिए। एक संदेश दीजिए हमारे दर्शकों को कि कैसे फिट रहना चाहिए। कैसे फिट? सुबह वही दूध केले, अपना एक्सरसाइज करनी चाहिए, जॉगिंग वॉगिंग अपना टाइम पे, सुबह उठ के जल्दी, बस। बहुत बढ़िया। आप अपना नाम बताइए। सर सुरेंद्र नाम है मेरा। सुरेंद्र जी मुझे ये बताइए कि जिम से कब से प्यार हुआ? सर प्यार तो 2 साल से हो गया। 2 साल से हो गया। अच्छा ये बताइए कि सर ने आपको क्या क्या गाइडेंस दी है और क्या क्या आपको डाइट लेने को कहा है? सर मेरे को सुबह से उठते के बाद में जिम से आने से पहले मतलब कुछ खाने के लिए जैसे सेब वगैरह कुछ डेली चेंज है डाइट वगैरह, और जिम के बाद भी शेक वगैरह लेना, डेली शेक भी चेंज कर करके लेना है। बाकी के चने वगैरह नेचुरल डाइट बताइए, मतलब जो भी चीज़ बताइए नेचुरल, कोई भी पाउडर वगैरह कोई बाहर की चीज़ खाने के लिए मेरे को बोला ही नहीं गया है इस जिम में। बाकी और जिमों में बोला जाता होगा शायद मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे तो अभी तक तो मेरे को नहीं बोला गया। ये अच्छी बात है, ये मतलब आपको नेचुरली नेचुरली आपको ये बॉडी बिल्डिंग करनी है। अच्छा अपने एज ग्रुप के लोगों को एक संदेश दे दीजिए कि कैसे फिट रहना चाहिए। गाइस मेरी तो 24 इयर्स है और मैं आपको ये बोलूँगा, आप चाहे कुछ भी करो, जॉब करो, स्टडी करो, चाहे कुछ भी करो, बट अपनी बॉडी फिट रखो। सुबह जिम करो अपनी पूरी, अगर जिम करते हो पूरे टाइम पे एक्टिव रहेगी आपकी बॉडी। बस ये कहूँगा मैं आपके लिए कि जिम करो, एक्सरसाइज करो और हार्डवर्क करो। बस जिम करिए, एक्सरसाइज करिए, हार्डवर्क करिए और बॉडी एक्टिविटी से जुड़े रहिए।